अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सबका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अरबी सीखे में। आज की हमारी ये जो वीडियो होगी ग्रामर वाली, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपको कि फेल मजहूल और नायब फाइल ये क्या होता है, नायब फाइल किसे कहते हैं और फेल मजहूल क्यों बनाया जाता है और इसके बनाने का कायदा क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लेंगे। और फेल मजहूल के साथ जो नायब फाइल होता है ये क्या चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, तो इंशाल्लाह आज हम उसी पर बहस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, मैं इंशाल्लाह इन सब मिसालों के ज़रिए से आपको बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि फेल मजहूल और नायब फाइल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपको फेल मजहूल की तारीफ़ याद होनी चाहिए। हम पीछे बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं कि फेल मजहूल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसका कायदा क्या है, हमारी ग्रामर की वीडियो नंबर 17, 18 और 19, ठीक है, 17, 18 और 19, इन तीन वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि फेल मजहूल कैसे बनाया जाता है, यानी माजी भी होता है मजहूल और मुजारे भी होता है मजहूल, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें अगर आपको याद नहीं है कि फेल मजहूल कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, आपको सिर्फ बनाकर दिखाएंगे, कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप एक बार वीडियो नंबर 17, 18 और 19 देख लें फेल मजहूल कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आज का सबक कि नायब फाइल क्या होता है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं फिर भी आपकी आसानी के लिए कि फेल मजहूल में क्या होता है कि जैसे ज़राबा, उसने मारा, ठीक है, इसमें तीनों पर ज़बर है, तो ज़रा बस अगर माजी से हम फेल मजहूल बनाना हो तो ज़ुआद पर पेश लगा देते हैं, यानी पहले हर्फ पर पेश और जो आखिर से पहला है उस पर ज़ेर लगा देते हैं, ज़ूरी बा ज़बर बा, दोनों के तर्जमे में फ़र्क होता है। ज़रा बा का मतलब होता है उसने मारा, ज़ूरी बा का तर्जमा ही अलग होता है, मतलब उसको मारा गया, ठीक है। इसी तरह फेल जो है मुजारे को अगर मजहूल बनाना हो, मिसाल के तौर पर यज़रिबु, हमारा ये यज़रिबु वह मारता है, तो अगर हम वे फेले मुजारे से मजहूल बनाना हो तो उसमें क्या करते हैं हम कि पहले वाले हर्फ को पेश देते हैं या पर हम पेश लगाएंगे और ज़ुआद हमारा जूँ का तू रहेगा और रा पर यानी सेकंड लास्ट हमारा ज़बर आएगा, ठीक है, उस पर ज़ेर नहीं आएगा, तो युज़रबु बा पर पेश, युज़रबु उसे एक मर्द को मारा जाता है या मारा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फेले मजहूल था, माजी का भी और मुजारे का भी। इसके बाद चलिए हम चलते हैं कि नायब फाइल क्या चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम एक मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर ये शरीबल वलदुल मा, इस मिसाल को उठा लेते हैं हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने मिसाल हुई शरीबल वलदुल मा, इसका तर्जमा क्या हो रहा है, शरीबा मतलब पिया, अलवलदु लड़के ने, अलमा पानी, सिंपल मिसाल एकदम, बिल्कुल कुछ भी इसके अंदर झंझट नहीं है। शरीबा क्या हुआ अगर हम इसकी तरकीब करें तो शरीबा क्या हुआ, ये हमारा फ़ैल है, ठीक है, शरीबा फ़ैल, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शरीबा फ़ैल, अलवलदु हमारा क्या है फ़ाइल, फ़ाइल अलामत क्या है फ़ाइल की, फ़ाइल की अलामत ये कि उस पर पेश है, और अलमा क्या है हमारा मफ़ऊल, ठीक है, अलमा हमारा मफ़ऊल है, ये एकदम बिल्कुल सिंपल मिसाल है, शरीबा फ़ैल, अलवलदु फ़ाइल और अलमा मफ़ऊल, मैं इसको अलग भी कर देता हूँ। देखिए तो और फेल मजहूल की तारीफ़ क्या थी वो भी हमने उसी के अंदर आपको पढ़कर बताई थी, ठीक है, वहीं से फिर एक बार थोड़ा सा आप रिपीट कर लीजिए, फेल मजहूल की तारीफ़ अगर याद ना हो तो आप याद कर लीजिए कि फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं कि जिसमें फ़ाइल का जिक्र ना हो, वो फेल मजहूल है, यानी जिसके जिसमें फ़ैल की नस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, ये भी एक जो है तारीफ़ होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जिसके फ़ैल की नस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, फ़ाइल का जिक्र ना हो, तो ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो चलिए हम उसको जो है बताते हैं। देखिए हम थोड़ा सा उर्दू में भी समझाने की कोशिश करते हैं, इसका तर्जमा क्या है, लड़के ने पानी पिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी पिया, किसने पिया, लड़के ने, काम करने वाले का नाम हमें मालूम हो रहा है, लड़के की जगह अगर कुछ और होता तो वो भी हमें बिल्कुल मालूम होता कि जो है भाई पानी पिया लेकिन लड़के ने पिया मालूम है। फेल मजहूल में क्या होता है, फेल मजहूल में पता नहीं रहता कि काम किसने किया, यहाँ पर मैं तो जो है ये लिख भी देता हूँ, फेल मजहूल में मालूम नहीं रहता
काम किसने किया, ठीक है, के काम किसने किया, उसमें मालूम ही नहीं रहता। जैसे लड़के ने पानी पिया, इसमें हमें मालूम चल रहा है कि भाई लड़के ने पिया, लेकिन इसी जुमले को हमें कन्वर्ट करना हो फेले मजहूल में, आप उर्दू में कन्वर्ट करके दिखाइए, इसमें हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि भाई पानी किसने पिया, लेकिन बात एकदम सेम रहनी चाहिए, यानी हमारा तर्जमा नहीं बदलना चाहिए। जो हमारा कहने का मकसद है कि पानी को पिया तो पानी ही पिया जाना चाहिए, कुछ और नहीं, यानी बात नहीं बदलनी चाहिए, बस पीने वाले का नाम ख़त्म करना है। तो देखिए हम ख़त्म करके दिखाते हैं, हम इसे कह सकते हैं पानी पिया गया, ये हमारा फेले मजहूल हो गया, भाई पानी पिया गया, ठीक है, यहाँ भी पानी ही पिया जा रहा था, लेकिन यहाँ ये मालूम था कि लड़के ने पिया, लेकिन यहाँ भी पानी ही पिया गया, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी मालूम नहीं कि भाई किसने पानी पिया है, तो ये हमारा फेले मजहूल हुआ। एक और मिसाल दे लीजिए, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ठीक है, पैदा किया, ये हमारा क्या है, फेले मारूफ है, सिंपल है कि भाई आसमान को पैदा किया किसने, अल्लाह ने, ये तो पता है हमें, लेकिन हमें फेले मजहूल में कन्वर्ट करना है, हमें ये बताना है कि भाई आसमान तो पैदा हुआ लेकिन किसने पैदा किया ये बताना ही नहीं है, काम करने वाले का नाम हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो हम कैसे कहेंगे, आसमान को पैदा किया गया, ठीक है, तो ये हमारा फेल मजहूल हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फेल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं और फाइल को हम ख़त्म कर देते हैं। चलिए हम वही आपके सामने करके दिखाएंगे। देखिए ये शरीबल वलदुल मा, लड़के ने पानी पिया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें फाइल को ख़त्म करना है। फेल मजहूल की तारीफ क्या है कि जिसके फाइल का जिक्र मालूम ना हो, ये जो लड़के ने पानी पिया ना, ये लड़के ने, हमें इसे ख़त्म करना है। यहाँ पर हमें दिखाना ही नहीं है लोगों को कि भाई पानी किसने पिया है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि पानी पिया गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शरीब जो ये फेले मारूफ है इसको फेले मजहूल में हम कन्वर्ट करेंगे। शरीबा फेले माजी, अब देखिए इसका हम फेले मजहूल कैसे बनाएंगे, वो तरीका आपको बताए कि माजी का मजहूल सबसे पहले हर्फ को पेश लगाते हैं, रा पर ज़ेर लगाते हैं, हमने ज़ेर लगा दिया, बा पर ज़बर लगा दिया, शुरीबा हो गया, ठीक है, यानी पिया गया। अभी इसका तर्जमा है कि पिया गया या उसे एक मर्द को पिया गया, इस टाइप का भी तर्जमा हो सकता है। लेकिन अब देखिए फाइल तो हमें जिक्र ही नहीं करना है, भाई काम किसने किया वो तो हमें बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो यहाँ पर अलवलद तो हम लिखेंगे ही नहीं, बल्कि जो पहले मफ़ऊल बन रहा था पानी, उस पानी को यहाँ पर हम ले आएंगे, ठीक है, जो अलमा था वो हम यहाँ पर ले आएंगे। तो हम यहाँ पर अलमा ले कर आ गए, ठीक है, अलमा, इस पर ज़बर था तो हम बिल्कुल जूंगा तो ले कर आ गए अलमा, ठीक है, तो ये ज़बर की जगह आ गया हमारा, ये तो ये ज़बर हमारा बिल्कुल सेम उठ के आ गया अलमा वहाँ से। तो क्या हमारा ये जुमला सही हो गया, नहीं, ये हमारा जुमला गलत हो गया। गलत किस लिए हो गया, गलत इसलिए हो गया कि यहाँ पर ज़बर नहीं आएगा। देखिए ऊपर अलमा मफ़ऊल बन रहा था इसलिए उस पर ज़बर आ गया था, वह और फाइल उसका अलग से दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस फेले मजहूल में ये जो आपका मफ़ऊल था, पहले तो हमारा ये क्या था, अलमा यानी माउन मफ़ऊल था, लेकिन यहाँ पर अब क्या बन रहा है, ये यहाँ पर देखिए नाइब किसे कहते हैं, नाइब किसे कहते हैं, असिस्टेंट को बोलते हैं, यानी उसकी नियाबत करने वाला, जैसे एक होता है सदर यानी बड़ी पोस्ट पे, एक होता है नायब सदर कि भाई अगर वो नहीं रहते हैं तो हम रहेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं नायब सदर। नायब मुदर्रिस किसे जो है किसे कहते हैं, एक होता है टीचर और एक होता है नायब जो है टीचर यानी नायब मुदर्रिस, यानी अगर मेन उस्ताद नहीं आए तो उनके जो छोटे उस्ताद हैं वो आएंगे, वो भी वही काम करेंगे जो पहले वाले उस्ताद कर रहे थे। या फिर इमाम होते हैं, इमाम साहब भाई मस्जिद के इमाम साहब हैं, और एक नायब इमाम होते हैं। नायब इमाम का मतलब क्या है कि अगर जो है मेन इमाम साहब नहीं रहते तो फिर नायब इमाम साहब आएंगे और वो सेम वही काम करेंगे जो कौन करते थे, बड़े इमाम साहब करते थे। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर देखिए ये क्या था, हमारा मफ़ऊल था, अब यहाँ पर से फाइल गायब हो गया है, जो असल था काम करने वाला वो गायब हुआ है और ये उसकी जगह आया है फाइल का। तो अब ये क्या करेगा, इस पर भी वही असर होगा जो मेन इमाम साहब का था या जो फाइल का था। फाइल क्या होता था, मरफू होता था। अब जाहिर सी बात है इन्होंने असल की जगह ली, असल इमाम साहब की जगह ली इन्होंने, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी पेश देंगे ना, क्योंकि उस पर पेश आता था। तो इस पर भी हम जो है ज़बर नहीं बल्कि पेश लगाएंगे, इस पर भी हम पेश को लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये मफ़ऊल नहीं रहा, अब ये हो गया हमारा नायब फाइल, ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, नाइब फाइल, यानी ये फाइल जो था यहाँ पर अलवलदु, ये उसका नाइब है, उसकी जगह आया है ये। अब यहाँ से हमारे लिए दोनों की तारीफ याद जो है याद करनी आसान हो जाएगी कि जो है फेले मजहूल किसे कहते हैं और नाइब फाइल किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपके सामने कायदा लिख देता हूँ कि फेले मजहूल वो फेल है जिसमें, अब देखिए फेले मजहूल में फाइल का पता चल रहा है यहाँ पर, नहीं पता चल रहा है ना बिल्कुल भी कि भाई पानी किसने पिया, तो तारीफ वही करेंगे कि जिसमें फाइल का जिक्र ना हो, ठीक है, इसमें फाइल का जिक्र है ही नहीं, और फेल की निस्बत, यानी अब जो हमने फेल को अटैच किया है वो किससे किया है, यहाँ पर शुरीबा जो हमारा फेल था ये हमने किससे अटैच किया है, अलमाउ से। अलमाउ पहले क्या बन रहा था, मफूल बन रहा था, वही बता रहे हैं, और फेल की निस्बत मफूल की तरफ की गई हो, मफूल की तरफ की गई हो, ये मफूल था ना पहले हमारा अलमाउ, तो इसलिए अब शुरीबा को जो है मफूल से जोड़ दिया गया, फाइल को ख़त्म कर दिया गया, तो ये हमारा फेल मजहूल हुआ। ठीक है, फेल मजहूल कैसे बनाते हैं वो मुस्तकिल अलग कायदा है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, वीडियो नंबर 17, 18 और 19 देखिए। ठीक है, हमारी जो है हमारे चैनल का जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए और सामने प्लेलिस्ट आएगी आपके, यानी कई ऑप्शन होते हैं, ऊपर होम होता है, वीडियोज़ होता है, और इसी तरह प्लेलिस्ट होती है, कम्युनिटी होती है, तो प्लेलिस्ट वाले टैब में आप जो है क्लिक कीजिए, फिर उसके अंदर अरबी ग्रामर वाले जो असबाक आएंगे उसमें आपको बैक टू बैक यानी तरतीब से मिल जाएंगे। तो इस तरह देखते हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो तरतीब जो है कोई भी वीडियो तरतीब से देखनी होती है तो इस तरह देख सकते हैं। तो ये हमारी फेले मजहूल की तारीफ हो गई। नाइब फाइल की तारीफ कर लेते हैं, नाइब फाइल आप ये कायदा लिख भी सकते हैं, अब नाइब फाइल की आप तारीफ खुद भी कर सकते हैं, नाइब फाइल अलमाउ हो रहा है, अब ये नाइब फाइल वो फेल है, नाइब फाइल वो, अब ये इस्म होता है या फेल होता है, जाहिर सी बात है इस्म होता है क्योंकि ये मफूल था और मफूल जो है जाहिर सी बात है वो इस्म होता है, तो नाइब फाइल वो इसमें मरफू है। अब यहाँ पर देखें हम आपके आसानी के लिए एक कायदे में मरफू भी लिख देते हैं, इसमें मरफू यानी एक ऐसा इसम जिस पर पेश, ठीक है, इससे आपको एकदम आसानी से याद रहेगा कि अच्छा नाइब फाइल पर पेश आता है, वो इसमें मरफू है जो, ठीक है, जो फाइल का नाइब हो, असिस्टेंट हो, कायम मकाम हो, कायम मकाम भी बोल देते हैं, जो फाइल का कायम मकाम हो या नाइब हो, फाइल का नाइब हो, जिसने फाइल की जगह ली हो, जाहिर सी बात है यहाँ पर अलमाउ ने जो है वो अलवलद की जगह ली है, इसलिए उसको नाइब फाइल कहा गया होता है। और नाइब फाइल यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ, नाइब फाइल मरफू होता है, ये तो सिंपल है, एकदम मरफू होगा ही, मरफू क्यों होगा, क्योंकि उसने फाइल की जगह ली है, तो जिस तरह फाइल को पेश आता था तो इसको भी पेश आएगा, आखिर उसकी तो कुछ चीज़ इसके अंदर आएंगी ना, तो यहाँ पर उसको भी पेश आया, नाइब फाइल मरफू होता है। ठीक है, ये हमारी मिसाल हुई। अब देखिए यहाँ पर शुरीबल माओ का तर्जमा क्या होगा, शुरीबल माओ, अलमाओ हमारा नाइब फाइल हो गया था, इसको हम काट देते हैं, पहले तर्जमा लिख देते हैं, ठीक है, या फिर इसको रहने देते हैं, अलमाओ नाइब फाइल, यहाँ पर हम लिख देते हैं अलमाओ नाइब फाइल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका तर्जमा आपको करके दिखा देते हैं, तो शुरीबल माओ का तर्जमा क्या हुआ, पानी पिया गया, पानी पिया गया, ये हमारा जो है इसका तर्जमा हो गया। देखिए इसके अंदर आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि पानी किसने पिया, लेकिन हमारी बात पूरी हो गई कि पानी ही पिया गया, ऊपर भी पानी ही पिया जा रहा था। ठीक है, चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं, दूसरी मिसाल हमारे पास है ये खलकल्लाहुल अर्ज़ा या फिर अल इंसाना, आप कुछ भी ले सकते हैं, खलकल्लाहुल अर्ज़ा या अल इंसाना। अब यहाँ पर देखिए इसका तर्जमा क्या हो रहा है, इस दूसरी मिसाल में खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अल अर्ज़ा ज़मीन को, या फिर अल अर्ज़ा की जगह आप अल इंसान ले लीजिए कि इंसान को पैदा किया, कुछ भी मिसाल ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें काम करने वाले का नाम मालूम है कि अल्लाह ने क्या, फाइल मालूम है भाई, अल्लाह ने पैदा किया है, किसको, ज़मीन को या फिर आसमान को, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं उर्दू में लिख देता हूँ, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, पहले हम ज़मीन का कर लेते हैं, ज़मीन को पैदा किया, लेकिन हमें गायब करना है कि किसने पैदा किया, अल्लाह का नाम नहीं लाना है, हमें ख़त्म कर देना है, लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई क्या चीज़ हुई, तो कैसे कहेंगे, फेले मजहूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ज़मीन को पैदा किया गया, ठीक है, ज़मीन को पैदा किया गया। अब यहाँ पर देखिए ज़मीन को पैदा किया गया जो है किया गया, ऊपर भी वही बात थी कि अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, बस नीचे क्या फ़र्क हो रहा है कि उसमें
काम करने वाले का नाम, पैदा करने वाले का नाम भी कहीं से कहीं तक आप ढूंढ ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते कि किसने पैदा किया, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका हम फेले मजहूल कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको आगे कर देते हैं उर्दू को और यहाँ पर हम अरबी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खलका हमारा फेले ये मारूफ है, इसको मजहूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी माजी है तो खा पर पेश आएगा सबसे पहले, लाम पर ज़ेर आएगा, खुली काफ पर ज़बर आएगा, खुलका, ठीक है, ये हमारा पैदा किया गया, ये हो गया हमारा तर्जमा। अब हम अल्लाह लाएंगे या नहीं लाएंगे, अल्लाह तो नहीं लाएंगे और हमें लाना भी नहीं है अल्लाह, अल्लाह तो हमें ऐसे भी गायब करना है इसमें, इस जुमले में कि भाई अल्लाह ने पैदा किया ये हमें बताना ही नहीं है। डायरेक्ट क्या लाएंगे हम, अल अर्ज, ज़मीन को लाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल अर्ज को लेकर आए, ज़ुआद अल अर्ज, ठीक है। ज़ुआद पर हमारा क्या आएगा, ज़बर आएगा या पेश आएगा, पेश आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो है नायब फाइल है, अल अर्जु हमारा अब ये नायब फाइल हो गया, ठीक है। अब देखिए नायब फाइल हो गया इसका मतलब इसने फाइल की जगह ली थी, तो जिस तरह फाइल पर पेश आता था इस नायब फाइल पर भी उसी तरह पेश आएगा। अब बताइए ये हमारा जुमला सही हो गया या नहीं, आपके हिसाब से सही हो गया होगा, लेकिन ये हमारा जुमला गलत हो गया, ठीक है। गलत कैसे हो गया, गलत इसलिए हो गया यहाँ पर अब हमें जो है देखना है कि फेल की और नायब फाइल की मैचिंग भी हो रही है या नहीं। जिस तरह पहले हमने आपको बताया था कि फेल की और फाइल की मैचिंग होती है, मिसाल के तौर पर ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा लेकिन फ़ातिमा ने मारा, अगर हमें कहना हो तो ज़राबत फ़ातिमतु कहते हैं हम, सॉरी ज़राबत फ़ातिमतु, फेल और फाइल की मैचिंग होती है। अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी हमारा मुअन्नस आएगा, अगर फाइल मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर आएगा। तो सेम नायब फाइल में भी वही होता है कि अगर नायब फाइल मुअन्नस आ गया तो फिर फेल अगरचे पहले जो है ये मुज़क्कर था उसको हमें मुअन्नस बनाना पड़ जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें तो नायब फाइल अपने फाइल के कबूल करेगा, यानी जो है इसको इसको भी पेश लाना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन कुछ इसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है नायब फाइल की। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं जहाँ रहूँगा अगर मैं मुज़क्कर रहूँगा तो मुझे फेल भी मुज़क्कर चाहिए, अगर मैं मुअन्नस रहूँगा तो मुझे फेल भी मुअन्नस चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जिस तरह फेल और फाइल को, यहाँ पर मैं कायदा लिख देता हूँ, जिस तरह फेल और फाइल की मैचिंग, यहाँ पर मैचिंग मैं लिख देता हूँ, मैचिंग होती थी इसी तरह, ठीक है, सॉरी इसी तरह फेल और नायब फाइल की भी मैचिंग होती है। फेल और फेल मजहूल, फेल का मतलब अब यहाँ फेल मजहूल हो गया, फेल और नायब फाइल की भी, ठीक है, सॉरी मैचिंग, ये हमारा इंग्लिश में कर लेते हैं, मैचिंग की जाती है, सॉरी मैचिंग की जाती है या होती है, मैचिंग होती है, ठीक है, ये हमारा एकदम सिंपल हो गया। तो अब देखिए खुलका से अब ये अल अर्दु क्या है, फीमेल है ना, ये मुअन्नस माना जाता है। अब ये अल अर्दु मुअन्नस कैसे है ये भी हम बता चुके हैं हम अपनी वीडियोस में, के यानी मुज़क्कर मुअन्नस के बयान में, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अल अर्दु क्या है, ये मुअन्नस समाई है, हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अल अर्दु की जगह देखिए कुछ और होगा वो भी हम बताएंगे। तो खुलकल अर्जु नहीं आएगा, अल अर्दु मुअन्नस है, फीमेल है, ठीक है। तो खुलका खुलका खुलकु खुलकत मुअन्नस का सीगा आएगा, हम यहाँ पर एक ता लगा देंगे, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा लाएंगे, खुलकत अल अर्जु। अब हमारा ये क्या हो गया, खुलकत अल अर्जु। लेकिन एक और कायदा है, हमने आपको बताया था कि जब सुकून वाले हर्फ को जो है आगे मैच कर हम आगे मिलाकर पढ़ते हैं किसी अलिफ लाम वाले हर्फ से, तो फिर उसमें क्या होता है, उस पर ज़ेर लगा देते हैं हम, ज़ेर मिलाकर हम पढ़ देते हैं, तो खुलकतिल अर्जु, ज़मीन को पैदा किया गया, असल क्या था, वो खुलकल अर्जु ही था, ठीक है, ये समझ में आया। इसी को हम थोड़ा सा ले लेते हैं इंसान के साथ ले लेते हैं, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ठीक है, खलकल्लाहुल इंसाना, हमें कहना है कि यानी इंसान में से हमें गायब करना, यानी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस जुमले में से हमें फाइल गायब करना है, तो हम कैसे कहेंगे, इंसान को पैदा किया गया, हम ये कहेंगे। अब इंसान को पैदा किया गया ये हम कैसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वही लाएंगे, फेले मजहूल लेके आएंगे, यानी खुली का लाम पर ज़ेर काफ पर ज़बर। अब डायरेक्ट हम क्या लाएंगे, फ़ाइल तो गायब ही हो जाएगा हमारा, अल इंसान हो जाएगा, तो ठीक है अल इंसान को हम लेके यहाँ पर आ जाते हैं। इंसान भी गाएगा, ज़बर आएगा या ज़ेर आएगा या पेश आएगा,
पेश आएगा, पेश को आएगा क्योंकि नाइब फाइल बन गया है। पहले मफूल बन रहा था लेकिन अब नाइब फाइल बन गया है और नाइब फाइल मरफू होता है। अब देखिए खुलिका को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, खुलिका को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि इंसान ऑलरेडी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है और दोनों मुजक्कर है चलेगा। तो इसका तर्जमा क्या होगा कि इंसान को पैदा किया गया। ठीक है, अब आगे एक और मिसाल देते हैं आपको। देखिए एक और मिसाल से हम समझाते हैं, फतहत फातिमतु अलबाबा, ये वाली मिसाल लेते हैं। ठीक है, फतहत फातिमतु अलबाबा, यहाँ पर क्या तर्जमा हो रहा है कि फातिमा ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, फातिमा ने दरवाज़ा खोला, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। फातिमा ने दरवाज़ा खोला, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको जो है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फातिमा ने दरवाज़ा खोला, अब यहाँ से हमें जो है नाम गायब करना है खोलने वाले का, दरवाज़ा खोलने वाले का नाम गायब करना है। तो उर्दू में कैसे कहेंगे, पहले आप उर्दू में बता दीजिए। उर्दू में कहेंगे हम दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, सॉरी दरवाज़ा खोला गया। अब यहाँ पर से हमने फातिमा का नाम गायब कर दिया। अब देखिए पहले क्या करेंगे, हम फ़ेल मजहूल ले आएंगे, तो ये फतहत था, हम इसको फ़ेल मजहूल कर देंगे। फा पर पेश, ता पर ज़ेर, हा पर ज़बर और ता पर सुकून था, फतहत। ठीक है, खोला गया। अब यहाँ पर फ़ातिमा तो नहीं आएगा और हमें लाना भी नहीं है, अलबाब आएगा सीधा सीधा दरवाज़ा। तो फतहत अलबाब, बाब पे क्या आएगा, ऊपर तो ज़बर आ रहा था क्योंकि मफूल था, मफूल भी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पेश आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये नाइब फाइल बन रहा है। तो अब देखिए हमारा जुमला ये ठीक हुआ या नहीं हुआ बताइए, आपके हिसाब से ये भी ठीक हो गया होगा लेकिन ये फिर गलत हो गया है। गलत क्यों हो गया है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दोनों की मैचिंग ही नहीं हो रही है, फेल की और फाइल की। यहाँ पर फेल तो मोनस आ गया है, फेल मोनस क्यों आ गया, क्योंकि ऊपर फाइल जो था वो मोनस था लेकिन जो है यहाँ पर मफूल जो अब नाइब फाइल आया है जो पहले मफूल बन रहा था अब वो मुजक्कर है। तो इसको इसका क्या मानना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे फेल, अगर मैं मुजक्कर रहूँगा तो फेल मुझे हर हाल में मुजक्कर ही चाहिएगा। मैंने आपको बताया कि जिस तरह फेल और फाइल में मैचिंग होती है मुजक्कर मुअन्नस की, इसी तरह फेल और नाइब फाइल में भी मुजक्कर मुअन्नस की मैचिंग होती है। तो हमें ता गायब करनी पड़ जाएगी, हम ता गायब कर देते हैं। फतहल बाबू यानी दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, ये हमारा सही जुमला तैयार हुआ कि दरवाज़ा खोला गया, हम क्या कहेंगे, फतहल बाबू। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और मिसाल देता हूँ आपके सामने में, मिसाल के तौर पर ये मिसाल ले लीजिए, ज़रबतिल मुअल्लिमतु अत्तिलमीज़ा, या फिर ये यहाँ पर बहुत सारी मिसालें लिखी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी से समझ गए होंगे। लेकिन ठीक है, तो ज़रबतिल मुअल्लिमतु अत्तिलमीज़ा या तालिबा, के मुअल्लिमा ने मारा तालिबे इल्म को या तालिबा को। यहाँ पर एक को मुजक्कर लिखा है मैंने और एक को मुअन्नस लिखा है। देखिए हम पहले मुजक्कर की बात कर लेते हैं कि मुअल्लिमा ने जो है तालिबे इल्म को मारा, मुअल्लिमा ने तालिबे इल्म को मारा। अब देखिए हमें फेल मजहूल में कन्वर्ट करना है, हमें मारने वाले का नाम गायब करना है, तो उर्दू में कैसे कहेंगे, तालिबे इल्म को मारा गया, ये कहेंगे सिंपल, तालिबे इल्म को मारा गया, बिल्कुल एकदम सिंपल है। अब कैसे बनाएंगे, ज़राबत ही था, ज़राबतिल मुअल्लिमतु, यानी ये हमारा अब ये फ़ेल मजहूल में हो जाएगा कन्वर्ट, तो हम ज़राबा को फ़ेल मजहूल कर देते हैं। ज़ूरी, रा पर ज़ेर, बा पर ज़बर और ता था ऑलरेडी, ता पर ज़ेर था तो ज़ूरी बती कर देंगे हम, या फिर इस पर सुकून लगा दीजिए। ज़ूरी बत, वो ज़ेर तो इसलिए आ गया था क्योंकि उसको आगे हमने मिला कर पढ़ा था, ज़ूरी बत। अब आगे क्या है, अत्तिलमीज़ अगर हम लाएँगे यहाँ पर, अत्तिलमीज़ ले के आते हैं। अब देखिए अत्तिलमीज़ पे क्या आएगा, पेश आएगा, क्यों, क्योंकि नाइब फाइल है, अत्तिलमीज़ नाइब फाइल। अभी हमारा जुमला ठीक हो गया, नहीं गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वो फेल की और फाइल की मैचिंग ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ज़ुरिबत जो मुअन्नस था, अब तिलमीज़ मुजक्कर है ना, ठीक है, तो तिलमीज़ अगर नाइब फाइल मुजक्कर होता है तो फेल भी मुजक्कर आता है, तो हम ज़ुरिबत हटा देंगे, ज़ुरिबत तिलमीज़। लेकिन अगर अत्तालिबा था, ठीक है, अत्तालिबा यानी तालिबा को मारा, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं, यानी तालिबा को मारा गया, हमारा फेले मजूल का सीधा क्या बनेगा, तालिबा को मारा गया। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, ज़ुरिबत लाएंगे शुरू में, ज़ाद पे पेश, रा पर ज़ेर, बा पर ज़बर, ता जो है हमारा ये, यानी इस पर सुकून, ज़ुरिबत। अब तालिबा, अत तालिबा तू, अब ता पर पेश ही आएगा ना, क्योंकि अब ये फेले मजूल बनना है,
तो जुरिबत अत्तालिबा, तो अब यहाँ पर जुरिबत को जो है मुजक्कर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है। बस आप ये याद रखिए दोनों को मैच करना है किसी भी तरह करें, चाहे नाइब चाहे फेल को चेंज करना पड़ जाए, चाहे नाइब फाइल को चेंज करना पड़ जाए, जुमला सही उसी वक्त होगा जबकि दोनों या तो मुजक्कर हो या फिर दोनों मुअन्नस हो। तो ता को मिलाकर पढ़ेंगे तो ता पर जेर आ जाएगा, ठीक है, जुरिबतित, ठीक है, जोरी बात है तालिबा, तो तालिबा को मारा गया। तो ये हमारी फेले मजहूल की कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस, इसकी मश्क और इसकी गर्दान इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझाना था, इसके अंदर जो कायदे हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे ये वाला कायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह फेल, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। जिस तरह फेल और फाइल की मैचिंग होती थी, इसी तरह फेल और नाइब फाइल की भी मैचिंग होती है मुजक्कर मुअन्नस होने में। यहाँ पर थोड़ा सा ये छूट गया था, मुजक्कर मुअन्नस होने में, ठीक, यानी अगर वो मुजक्कर है तो वो भी मुजक्कर, वो मुअन्नस है तो वो भी मुअन्नस। तो एक कायदा हमारा ये हुआ। तो इस तरह आप ये याद रखिए ये वाला कायदा। और एक कायदा हमारा क्या है, हमने आपको कायदा बताया था कि फेले मजहूल में मालूम नहीं रहता कि काम किसने किया। ये तो हमारा जो है ये तारीफ़ हुई, किताब से भी आप तारीफ़ याद कर सकते हैं। और एक कायदा हमने आपको फेले मजहूल की तारीफ़ बताई थी और नाइब फाइल की भी हमने तारीफ़ बताई थी। यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा उर्दू फॉन्ट में कर देता हूँ आपके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि फेले मजहूल वो फेल है जिसमें फाइल का जिक्र ना हो और फेल की नस्बत मफ़ूल की तरफ की गई हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नस्बत मफ़ूल की तरफ कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा होगा कि फेल लाजिम से फेल मजहूल नहीं आता। आपने पढ़ा होगा फेल लाजिम से फेल मजहूल नहीं आता। आज हम बता दें कि वो क्यों नहीं आता, आप खुद ही समझ जाएंगे। फेल मजहूल नहीं आता, ये आपने पढ़ा था ना, मिसाल के तौर पर ज़हाबा ज़ाहा ज़ाहबा ज़ाहबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, ठीक है, इलल मदरसती इलल मदरसती। अगर हम ये जुमला मुकम्मल कर देते हैं कि ज़ैद गया मदरसे की जानिब, तो फ़ेल लाजिम है ये। अब इससे मजहूल नहीं आता, मजहूल क्यों नहीं आएगा? मजहूल में क्या होता है, मजहूल में फ़ाइल को गायब कर दिया जाता है और मफ़ऊल को फ़ाइल की जगह लाया जाता है। अब यहाँ पर आपको मफ़ऊल दिख रहा है, ये इलल मदरसती आपको मफूल दिख रहा है? नहीं, ये तो मफूल नहीं है, ये तो इला हरफ जर है, अल मदरसा ये मजरूर है, ये तो मफूल नहीं है। तो जब इसका मफूल ही नहीं है तो फिर इसको हम फेल मजहूल ही क्यों बनाएंगे, इसका मजहूल ही नहीं बनेगा। और मफूल क्यों नहीं इसका, भाई फेल लाजिम का मफूल ही नहीं आता, उसको मफूल की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बात फाइल से पूरी हो जाती है। जईदुन जैद गया, बस बात ख़त्म होगी। जलसा बैठा, ज़ैदुन ज़ैद बैठा, यहाँ पर भी बात ख़त्म होगी। अगर अगर आपकी बात ख़त्म नहीं हो रही, आपको पूछना है कहाँ बैठा, चलिए आप बात मुकम्मल कर लीजिए, जुमला मुकम्मल कीजिए, घर में बैठा, चलिए फिल बैती कर लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं, जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा था तो फिल बैती कर लिया। अब चलिए हम फेले मजहूल बनाते हैं, सपोज़ कीजिए, सपोज़ अगरचे ऐसा होता नहीं कि जलसा को आपने जुलिसा कर लिया, खाली सपोज़ कीजिए, तो जुलिसा कर लीजिए कर लिया। अब फाइल तो हमें गायब करना है, फाइल तो हमें हम लाएंगे ही नहीं, अब मफ़ूल को रिप्लेस करेंगे फाइल की जगह, मफ़ूल है ही नहीं, यहाँ पर कहीं से कहीं तक मफ़ूल नहीं दिख रहा है। तो जब मफ़ूल ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर किसको लेके आएंगे, तो जब जब यहाँ पर नाइब फाइल नहीं आएगा तो फिर ये फेल क्यों आएगा, इस फेल की क्या ज़रूरत है फिर? तो इसलिए फेल लाजिम से फेल मजहूल नहीं बनता है। और यहाँ पर मफ़ूल क्यों नहीं है, यहाँ पर मफ़ूल इसलिए नहीं है क्योंकि जला से फेल लाजिम है, फेल लाजिम को सिर्फ फाइल की ज़रूरत होती है, बात पूरी हो जाती है, उसको मफ़ूल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये भी बात है उसमें कि फेल लाजिम से फेल मजहूल क्यों नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में जो है समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम तमाम जो है मशक करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।